देखिए, मंगल बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, खास तौर से महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए, उनकी संतान उत्पत्ति की क्षमता के लिए। अब मान लिया कि एक की कुंडली मांगलिक है, मान लिया लड़के की कुंडली मांगलिक है, लड़की की मांगलिक नहीं है, तो परिणाम क्या होंगे? ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में भयंकर झगड़े होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, कभी कभी हिंसा, वाद विवाद और मुकदमे की नौबत आ जाती है। और एक का मंगल दूसरे के जीवन पर संकट डाल देता है, दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है। उन दोनों में जो व्यक्ति मांगलिक नहीं है, उसके जीवन में कर्ज और धन हानि की समस्या हो जाती है। यानी अगर पति पत्नी की कुंडली में एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो ये मिसमैच बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा कर सकता है, आपसी तालमेल से लेकर पुलिस कचहरी मुकदमा और जीवन में सेहत और दुर्घटना की समस्याएं पैदा कर सकता है। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पति पत्नी को साल में एक बार रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। साल में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। पति पत्नी एक साथ अपने घर में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। साथ ही जो मांगलिक है, लड़का मांगलिक है तो लड़का और लड़की मांगलिक है तो लड़की, उसे सलाह लेकर के एक ओपल या मोती पहनना चाहिए। और जो पक्षकार मांगलिक है, लड़का मांगलिक है तो लड़का और लड़की मांगलिक है तो लड़की, अधिक से अधिक हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा साधना करने से, हनुमान जी के दर्शन करने से जो मंगल दोष का इम्पैक्ट है, मंगल दोष का प्रभाव है, वो प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति यानी गुरु सबसे ज्यादा पवित्र ग्रह माना जाता है। और अगर गुरु चांडाल योग होगा, गुरु दूषित होगा कुंडली में, तो दिक्कतें बहुत होंगी। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो दो विवाह की संभावनाएं जरूर बनती हैं। पहला विवाह चरित्र दोष या विवाह की कमी के कारण, विश्वास की कमी के कारण टूट जाता है। जिसकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, उसके जीवन साथी की कुंडली में जीवन पर भी संकट आ सकता है। सामान्यतः जिसकी कुंडली में गुरु चांडाल योग होता है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, उसके अपने जीवन में चरित्र की समस्याएं हो सकती हैं, या उसके लीवर में या शरीर में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, और इन कारणों की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। क्या उपाय किया जाए? ऐसी स्थिति में उपाय वो व्यक्ति करेगा जिसकी कुंडली में गुरु चांडाल योग विद्यमान हो। क्या उपाय किया जाएगा? रोज सुबह और शाम जितना संभव हो यथाशक्ति भगवान शिव की उपासना करें। सप्ताह में एक दिन भगवत गीता का पाठ करें, खास तौर से भगवत गीता के 11वें अध्याय का। सलाह लेकर के एक पन्ना जरूर धारण करें। तामसिक आहार बिल्कुल त्याग दें।
अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, मांस मदिरा का सेवन स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए। संभव हो तो प्याज लहसुन भी त्यागिए, नहीं तो मांस मदिरा का सेवन करना तो बिल्कुल बंद कर देना ही बेहतर होगा। देखिए, दुनिया में जो आदर्श दंपति माने जाते हैं, आदर्श पति पत्नी माने जाते हैं, वो माने जाते हैं भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती। तो अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को हमेशा बेहतर रखना चाहते हैं, तो अपने घर में भगवान शिव और माँ पार्वती का एक चित्र या एक मूर्ति स्थापित करें, रोज शाम को उनके सामने दीपक जलाएं और संभव हो तो ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का रोज शाम को जप करें। पति भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती हैं। और भगवान शिव और माँ पार्वती से अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें, घर में भगवान शिव और माँ पार्वती की निरंतर पूजा होती रहे, तो घर में खुशहाली आएगी, पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन हमेशा बेहतर बना रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।